देश की पहली अग्निवीरों की बैच में बेटमा की पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के 6 सैनिकों ने अग्निवीर का प्रशिक्षण पूरा कर 15 दिन की छुट्टी पर अपने नगर बेटमा में आगमन पर नगरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बेटमा के भगत पिता जितेंद्र कुशवाहा, अंकित पिता पूनम चंद नागर, अनुकूल पिता राजेंद्र पटेल, आर्यन पिता कमल मंडलोई, सुमित पिता सतीश पटेल, श्याम पिता जसवंत अवर 6 सैनिक देश की पहली अग्निवीर बैच में पास आउट होकर पहली छुट्टी लेकर अपने गृह नगर बेटमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गुरु पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के संस्थापक भूतपूर्व सैनिक विजय यादव को कैप पहनाकर सलामी दी और खुशी के आंसू झलक गए। एकेडमी के साथ ही छात्रों ने सैनिकों का ढोल नगाड़ो और डीजे के साथ रोड शो किया। सैनिकों की 15 दिन की छुट्टी खत्म होने के बाद फिर एक बार अपनी अपनी बटालियन में वह लौट आएंगे। अपने गुरु को कैप पहनाकर सैनिकों ने सलामी दी। जब वापस अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पृथ्वी डिफेंस एकेडमी पहुंचे तो उन्हें प्रोटोकॉल का प्रदर्शन कर अपने भूतपूर्व सैनिक विजय यादव के पास हल्के हल्के कदमों के साथ पहुंचे और सर पर कैप रखती और सल्यूट कर सलामी दी कि जो है भर्ती रैलियाँ जो है पूरी खत्म हुई। खत्म होने के साथ साथ उन्हें उनके सेंटर्स में भेजा गया। सेंटर में भेजने के बाद उनकी 6 माह की जो पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में आज प्रथम आगमन हुआ है उनका वहाँ पर। अभी वो आने वाले हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मेरे 6 छात्र जो है हमारे यहाँ पर पृथ्वी डिफेंस अकेडमी के 6 छात्र जो कि अपने पूरा अग्निवीर की 6 माह की पूरी ट्रेनिंग खत्म करके आ रहे हैं, उन्हें 15 दिन का लीव मिला है। लीव मिलने के बाद में अपनी यूनिट्स में पोस्टिंग हो जाएगी। सभी को जो है फील्ड एरिया मिला है, यानी कि जम्मू कश्मीर की ओर वो यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं यहाँ पर। और अकेडमी के जो है अभी ये 6 नहीं है, 53 छात्र जो हैं अभी सेलेक्ट हुए हैं और वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आते रहेंगे। उनका स्वागत अभिनंदन हम यहाँ पर इसी तरह से करते रहेंगे। ये जरूरी इसलिए पड़ जाता है स्वागत अभिनंदन करना, क्योंकि एक आज के दौर में उन भगत सिंह को पता भी लगना चाहिए, हमारे भगत सिंह को, कि हाँ ये समाज जो है, ये हमारा जो देश है, वाकई में उन्हें उनकी ज़रूरत है। हमारे सेनानियों की, हमें हमारे सैनिकों की आवश्यकता है और उन्हें इस प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब आगे देखेंगे हम कि यहाँ पर किस प्रकार से वो सैनिक जो है उनका हम यहाँ पर आगमन करते हैं।